हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ आलू चिप्स बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। इसे बनाना बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आलू चिप्स बनाने स्टार्ट करते हैं। आलू चिप्स बनाने के लिए आप आलू को अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसमें जो भी मिट्टी लगी है एक्स्ट्रा वो अलग हो जाए और सभी आलू के छिलके निकाल लें अच्छी तरह से। छिलके निकालने के बाद आप कोई भी बाउल में पानी ले लें और उसमें आलू को डिप करते जाएं, क्योंकि यदि हम आलू को ऐसे ही छीलकर नॉर्मल रखे रहेंगे तो आलू ब्लैक पड़ जाते हैं, इसलिए इसे पानी में डिप करते जाएं। मार्केट में इस तरह का आलू चिप्स कटर मिलता है, डिज़ाइन वाला और नॉर्मल प्लेन वाला। आपको जो भी आसानी से अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। वीडियो में मैं जो भी किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो एक बार आप उस लिंक में जाकर ज़रूर देखें। इस तरीके से आलू चिप्स कटर से आप आलू चिप्स को निकालते जाएं और कोई भी बाउल में पानी लेकर उसमें डिप करते जाएं ताकि ये आलू चिप्स हमारे ब्लैक ना पड़े। अच्छे से इसको पानी में डिप करें और इसमें फिटकरी डालेंगे। फिटकरी का इतना टुकड़ा लिया है, करीब हाफ टेबल स्पून। इसको दरदरा कूट लिया है और इसमें ऐड कर दें। फिटकरी इसलिए डालते हैं ताकि हमारे आलू चिप्स वाइट बने। इसे आलू चिप्स को पानी में 5 से 6 घंटे के लिए फिटकरी वाले पानी में डिप रहने दें, या ओवरनाइट के लिए मॉर्निंग में एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। पानी को अच्छे से उबल जाने दें। इस पानी को इस तरह से बहुत ही अच्छे से बॉइल्ड हो जाने दें। पानी हमारा सफिशिएंट बॉइल्ड हो चुका है। अब फिटकरी वाले पानी से सारे के सारे आलू चिप्स निकालकर एक जालीदार कंटेनर के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और इसे उबलते हुए पानी में सारे आलू चिप्स डाल दें। गैस का फ्लेम फुल पे ही रखें क्योंकि आलू चिप्स पकने में भी टाइम लगेगा। गैस का फ्लेम फुल करके इसको पकने दें और इसमें 1 टेबल स्पून सेंधा नमक या फास्ट वाला नमक इसमें ऐड कर दें। उपवास वाला नमक डालने से आप इस आलू चिप्स को नॉर्मल या फास्ट में सभी टाइप से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसे ढककर 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे अच्छे से पकने दें। 5 मिनट बाद इसको चेक करके देखते हैं, इसमें अच्छा उबाल आ रहा है, बहुत ही अच्छे से पक रहा है। आलू चिप्स को चेक करके देखते हैं ये पका कि नहीं दबाने पे। ये अभी अच्छे से पका नहीं है, थोड़ा कच्चा लग रहा है, तो इसे ढककर 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे और पकाते हैं। गैस का फ्लेम फुल पर ही रखें। 2 मिनट बाद फिर चेक करके देखते हैं कि आलू चिप्स पका या नहीं। यदि आपको नॉर्मल हाथ से छूने में गर्म लग रहा है तो कोई भी प्लेट में आप आलू चिप्स निकालकर इस तरीके से चेक करें। ये आलू चिप्स पककर रेडी हो चुका है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब आप कोई भी बाउल के ऊपर ऐसा जालीदार कंटेनर रख लें और उसके ऊपर आलू चिप्स को निकालेंगे। जालीदार कंटेनर के ऊपर आलू चिप्स पलटने से आलू चिप्स ऊपर अलग हो जाएंगे और नीचे वाले बाउल में पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल आएगा। इस तरीके से हमारे आलू चिप्स अच्छे से बॉइल हो चुके हैं। ऐसा करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें और थोड़ी देर के लिए आप खाली वाले बाउल के ऊपर इस
जालीदार कंटेनर को रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसे सुखाना है, इसके लिए आप धूप में कोई भी साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर सारे आलू चिप्स फैला दें। 4 से 5 घंटे में समर सीजन में आलू चिप्स अच्छे से सूखकर रेडी हो जाते हैं, बीच में इसे पलटा भी सकते हैं। अब इसे डीप फ्राई करके बताते हैं। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। एक आलू चिप्स को चेक करके देखा, रिफाइंड ऑयल सफिशेंट गर्म हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे वाइट आलू चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। आप इसे थोड़ा रेड करके भी जैसे सेकना चाहते हैं, थोड़ा खरा या नॉर्मल वैसे इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल आलू चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।